ज्यादातर वेजिटेरियंस यानी शाकाहारी लोगों की एक आम चिंता ये होती है कि क्या उन्हें अपने आहार से पर्याप्त प्रोटीन मिल रहा है या नहीं। वेजिटेरियन होने से कभी कभी शरीर में प्रोटीन और ओमेगा 3 के साथ ही कुछ पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि आप शाकाहारी भोजन का पालन करते हुए भी पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ चावल और गेहूं खाने के अलावा आप किन्वा, ओट्स, कुट्टू और बाजरा भी खा सकते हैं। इन सभी में चावल और गेहूं की तुलना में ज्यादा प्रोटीन होता है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन रोज कर सकते हैं, क्योंकि सभी डेयरी उत्पाद हाई प्रोटीन का सोर्स हैं। दूध, दही और छेना जैसी चीजें आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। पकी हुई मटर, ब्रोकली और पालक आपको 7 ग्राम प्रोटीन देते हैं। आलू, फूलगोभी, भिंडी और मशरूम से 5 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। ऐसी सब्जियों से आप आपके कुल प्रोटीन का सेवन बढ़ा सकते हैं। हर दिन 1 से 2 प्रकार के नट्स और 1 चम्मच किसी भी बीज का सेवन करना आपके लिए सही रहेगा। अखरोट, बादाम और चिया सीड्स बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं, तो आप इन्हें जरूर खाएं। शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप ज्यादा दाल भी खा सकते हैं। 2 बेहतरीन दालें स्प्राउट्स और सत्तू है। तो इन चीजों को खाकर आप अपने वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं।